दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से हुआ फरार। जीटीबी हॉस्पिटल में फायरिंग पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सीएम केजरीवाल के कामों की बराबरी नहीं कर पा रही, इसलिए उन्हें जेल में डाला हुआ है, मंत्री आतिशी का बयान। कल दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ जताएगी नाराजगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में बढ़ती बिजली बिल का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत 3000 नेता और पदाधिकारी शामिल। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ, ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएगी बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है, उसकी कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, उसने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, जेपी नड्डा का बयान। बैठक में बोले सीएम योगी, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने सभी को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया, कानून का राज स्थापित किया, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी मौजूद। बैठक में वित्त मंत्री ने इकोनॉमी और भविष्य की पॉलिसियों पर भी बात की, संजय टंडन ने दी जानकारी। रांची में बोले झारखंड बीजेपी की प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई। शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन से सवाल, झारखंड के लोगों को कौन सा अधिकार दिया बताएं। महाराष्ट्र के बीड में पंकजा मुंडे के समर्थन में लगे पोस्टर, मुंडे का भावी सीएम बताया। कोलकाता में राजभवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ जताई नाराजगी। बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है, शुभेंदु अधिकारी का बयान। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, लोकसभा में करीब 50 लाख और उपचुनाव में करीब 4 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई एक सबूत बता दे कि वोट नहीं देने दिया गया हो। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जनता ने बीजेपी और पीएम के झूठे वादों को नकारा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं, हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर है, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। शाहनवाज हुसैन की कांग्रेस को सलाह, राज्यों में अकेले चुनाव लड़े तब हकीकत पता लग जाएगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की झूठ का गुब्बारा फट गया। भगवान राम से जुड़ी सभी जगहों पर बीजेपी हारी, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया, रामगोपाल यादव का बयान। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा समीक्षा का विषय है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई है, उन्हें दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोली सुप्रिया सुले, केंद्र के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। लालू यादव के बयान पर बोले पी चिदंबरम, विपक्ष को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इंदौर में 11 लाख पौधारोपण अभियान शुरू, गृह मंत्री अमित शाह ने पौधा लगाकर की शुरुआत। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए पौधे लगाना जरूरी, अमित शाह का सुझाव। एमपी के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, अमित शाह ने किया संबोधित। अनंतनाग में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये मोदी का भारत है, आतंकी नर्क में जाएंगे या 7 फीट गड्ढे में दफन। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आरएसएस के सुनील आंबेकर ने आरोपों का दिया जवाब, कहा संघ ने हमेशा इमरजेंसी का किया विरोध। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीट मिलने पर संघ का बयान, जनता ने अपना फैसला दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण ठीक नहीं है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, संघ का आग्रह। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान की गिरी छत, 7 लोग जख्मी। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों में बढ़ा जलस्तर, प्रयागराज में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा एसटीएफ ने हत्थे चढ़ा गैंगस्टर राकेश, पैरोल पर रिहा होने के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश। पंजाब के बनूड़ में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और रमनदीप सिंह को पकड़ा।
हरदोई के चार गांवों में बाढ़ से बुरा हाल, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। चमोली के NH-7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया बाधित। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़ गांव की सड़क का हिस्सा ढहा।